होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह से काम शाम करके जी काफ़ी हालत शालत ख़राब हुई है। बहरहाल जी आज है 11 सितंबर, हाँ जी मंडे, फायज़ा की बर्थडे है। सुबह आज रात 12 बजे से विश करते हैं। 12 बजे में थोड़ा सा टाइम रह गया, अभी चलते हैं फायज़ा को विश करते हैं। साथ में स्पेशल अपने हाथों से केक बनाते हैं, वो उसे कट करवाते हैं। साथ में रहिएगा। फायज़ा ना अभी सोई हुई है, बट मुझे पता है कि वो नहीं सोई हुई। चलते हैं उसके पास, देखते हैं कि वाकई सही हुई है कि नहीं। बाकी ये बलून्स उतार लेते हैं जो उसके साथ करना है, फिर चलते हैं उसके रूम में। ये 5 बलून्स लिए हैं, अभी चले आप भी मेरे साथ साथ। ये रिंग लाइट और बलून्स ले लिए हैं। मारा लाइट ऑन करना। ओहो ये तो इसके अंदर फंस गए हैं, रुक जाए मैं इनको निकाल। ये यहाँ पे सोई है, यहाँ पर मुझे पता है ये ड्रामे कर रही है। कोई नहीं सोई, इसको 3-4 बजे से पहले नींद नहीं आती, बट कोई नहीं, जाग जाएगी तो हमें क्या, हम जो करने हैं हम वो करते हैं और यहाँ से चलते हैं। पता नहीं सो रही है, ड्रामे कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लग तो रहा है सो रही है। चले अब हम अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं। अपने साथ इसको मैंने ले लिया, बलून्स ले आए हैं, करते हैं। ये बलून सारे इसके बालों के साथ हमने ऐसे करके चिपका दिए। अब इसको उठाते हैं, इस साइड पे हो जाओ फायज़ा। फायज़ा यार सोने दो। फैजी हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये क्या किया आप लोगों ने, हैप्पी बर्थडे टू यू। बट ये जो हमारे गुब्बारे हैं ना, ये काफी देर से भरे हुए थे, ये खुद उड़ गए हैं, पर इसके बाल भी इनसे उड़ाए। होशी आशफीक अहमद, मैं इतने अच्छे सो रही थी मलाइका, कड़ा ख्वाब आया सी खाना लग। The next day. हाँ जी अभी हम जा रहे हैं मार्केट, केक का ऑर्डर देने और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेने। बाकी सारा कुछ मेरे पास है, मैं पहले चलती हूँ, बाकी आके मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या हम लेने जा रहे हैं। चलें लेट्स गो। सूरज भी आजकल पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, पर फिर भी कोई नहीं। ये बेकरी पर पहुँच के थे, यहाँ पर जो जो गुब्बारे लेने थे वो वाला कलर तो मिला नहीं, फिर ब्लैक एंड ग्रे दोनों कर लिया। उसके बाद यहाँ से थोड़े से फ्लावर्स लिए, फ्लावर्स लेने के बाद इसके बाद हम चलते हैं जी। ओह वाला यार बाहर तो इतनी गर्मी है, चीज़ें जो वगैरह लेनी थी वो ले ली, केक ऑर्डर दे दिया, फ्लावर्स ले लिए, अब बलून पे ना हवा भरवानी है वो भरवाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट घर। वेट करते करते यहाँ पे चलें जी, बोतल पी लेते हैं, तब तक डियो पियो जिंदगी जियो, डर के आगे जीत है। इसके बाद जी हम चलते हैं घर, बलून्स में ना हवा नहीं भरी गई क्योंकि उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था, अब कोई देसी जुगाड़ लगाते हैं, और देसी जुगाड़ लगा लिया हमने घर आके। एज़ यूजुअल घर में जो गैस होती है उसी से हमने बलून भरे, पाकिस्तानी है यार कुछ भी कर सकते हैं हम। केक जो हमने ऑर्डर किया था वो आ गया, इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको खोल के देखते हैं। इतना ही काफ़ी है, अभी मैं बाकी आपको बाद में दिखा दूँ। केक आ गया, अभी इसको मैंने दिखा दिया आपको थोड़ा सा, अभी जब सही तरह मतलब ओपन वगैरह करेंगे ना फिर मैं फिर आपको दिखा दूँगी। अब सोच रही हूँ डेकोरेशन कहाँ पे करूँ, मेरा माइंड था कि इस दीवार पे गिरते, बट नहीं अभी ना कोई मामला सेट नहीं बैठ रहे, या नहीं हम चलते हैं वो दूसरे रूम में जहाँ पर हम रोज़ वीडियो शूट करते हैं, वहाँ पर जाके हम वहाँ पर डेकोरेशन करते हैं, ठीक है इज़ा। चलें चलते हैं फिर उधर।
इधर डेकोरेशन करते हैं। इधर गुब्बारे फिल करने की बारी आ गई। हम इतनी ज़्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा सर्दियों में ये देखें, जैसे कि आपको साइड पे नज़र आ रही है, इस तरह सर्दियों में डेकोरेशन करते हैं जी। सर्दी होती है कोई बंदा बर्दाश्त कर लेता है, पर गर्मियों में इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। ये मेरी छोटी सिस्टर मानूर थी, उसकी बर्थडे थी तब डेकोरेशन की थी, बट अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी में कोई मूड नहीं थी हैवी डेकोरेशन करने का। बहुत लाइट सी करेंगे बस जी, फ़ायदा का दिल रखने के लिए। उसके बाद जी ये जब हमारा बबी हुआ था तब डेकोरेशन की थी हमने, इसी रूम में की थी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन किस तरह की लगी है। ये फर्स्ट है था बबी का हमारे घर में, इतनी देर लगी थी इन सब गुब्बारों को फुलाने में, और ये हमारा छोटा सा बबी। बाकी डेकोरेशन तो मैंने आपको दिखा दी है कि पहले हम किस तरह की करते थे, बट नहीं जी इस बार कोई मूड नहीं रहती है डेकोरेशन करने का, क्योंकि मुझसे नहीं इतना बर्दाश्त होता है। गुब्बारों में हवा फिल कर करके मत मारी गई है, और तकरीबन 4 से 5 गुब्बारे फिल किए हैं, उसके बाद चक्कर आने लग पड़े हैं। तो वाह, ये सारे बलून्स जो है ना मैंने फुला लिए हैं, अब इनको सेट करते हैं। ये भाई यार मेरे सारे के सारे जितना जोर था ना सारे लग गए इन पे। आगे छोटी सी जान है और इतना जुल्म, ये देखे। अब इन सबको ना बेड पे इस तरह से अटैच करना है। डबल टेप ले आए हैं, डबल टेप इस साइड पे लगाते हैं, दूसरी तरफ से इकट्ठे उतार लेना ना। नहीं मैं बस टेस्ट करने लगी हूँ कि चिपकता है कि नहीं। बाद में बलून फट गया। ठीक है, वेल डन। सारे इसी तरह से करते हैं, फिर मिलती हूँ। आप सारे सेट कर लिए हैं, अब यहाँ पे फ्लावर फेंकते हैं, केक रखते हैं, उसको बुलाते हैं। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन फायदा ने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करनी थी उसकी फरमाइश थी, पूरी कर दी। बाकी ये जो गुब्बारे साइड में नज़र आ रहे हैं वही हैं जो हमने घर में जुगाड़ लगा के इनमें गैस भरी थी, क्योंकि बाहर से वो फिलअप नहीं करके दे रहे थे, उनका सिस्टम जो था ना वो ख़राब हो गया हुआ था। बहरहाल इस तरह की डेकोरेशन की है, बताइएगा मुझे किस तरह की लग रही है। अभी फायदा को बुलाते हैं, उसे केक कट करवाते हैं। मैं अब आपको केक की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा केक किस तरह का है। साथ रहिएगा, कमेंट सेक्शन में से विश लाजमी कर दीजिएगा। यार गर्मी बहुत है, कपड़े वगैरह चेंज करने का भी दिल नहीं कर रहा। चले कोई बात नहीं, करने तो हैं या फिर भी थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन करनी थी वो हमने कर ली है। ये कपड़े चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये केक है, ये इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि केक क्या वजह आ रही है। देखिए फायदा के ये भी मिट गए हुए हैं, ये मेल्ट हो गया। बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि केक किस तरह का। ये लो अपना केक। ये जो जिसकी बर्थडे है ये आके बैठ गई हुई है, गंदे गंदे पोज ना मारा करो। अच्छा ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, खुश हो इससे? ये औरत रजनी जी सेल्फियां ले ले कि बस कर दो केक कट कर लो, सारे वेट कर रहे हैं। चलो 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 आगे हो सारे। यार क्या करूं मैं, ये नहीं छा रही अब, इधर से ये देखें, पागल होगी वीडियोस बना बना के। क्या करें हम, इसका बेचें इसको? रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, ये सारा गंद डाल के यहाँ पे चली गई है, ये नीचे भी सारा गंद डाल दिया, अब इसकी सफाई कौन करेगा? मैं करूँगी